नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। साइबर फ्रॉड का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो सावधान हो जाइए, कहीं आप साइबर फ्रॉड का शिकार तो नहीं हो रहे। खबर बताने से पहले हम आपको आगाह करना चाहते हैं ताकि आप कहीं धोखाधड़ी का शिकार ना हो जाए, क्योंकि अब साइबर अपराधी डीएम के नाम पर भी ठगी करने से नहीं चूक रहे हैं। साइबर फ्रॉड ने जमुई के जिलाधिकारी का व्हाट्सएप पर फेक आईडी बनाया और जमुई में ही पदस्थापित एडीएम रैंक के अधिकारी से ठगी करने की कोशिश की। मामला सामने आते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया और जमुई के साइबर थाना में शिकायत दर्ज की गई। साइबर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन मामला क्या है ये समझिए। साइबर फ्रॉड ने जमुई के जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा का फोटो लगाकर व्हाट्सएप पर एक नंबर से आईडी बनाई और उसमें जमुई के ही पदस्थापित एडीएम रैंक के अधिकारी से 50,000 रुपए की मांग कर दी। व्हाट्सएप चैट के जरिए जमुई में पदस्थापित एडीएम रैंक के अधिकारी जो अभी छुट्टी पर हैं, जिलाधिकारी के नाम से बने व्हाट्सएप अकाउंट पर और उनके द्वारा पैसे की मांग किए जाने को लेकर जब उनको शक हुआ तो उन्होंने इस बात को सत्यापित करने के लिए जमुई डीएम को फोन लगा दिया, संपर्क साधने की कोशिश की, जिसके बाद खुलासा हुआ कि किसी साइबर अपराधी द्वारा उनके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की गई है। पूरे मामले की जानकारी जमुई साइबर थाना को दिया गया, जिसके बाद साइबर थाना के डीएसपी राजन कुमार हरकत में आए और आगे की कार्रवाई उन्होंने शुरू की। जमुई के एडीएम रैंक के अधिकारी को व्हाट्सएप पर डीएम के प्रोफाइल पिक्चर लगे हुए व्हाट्सएप अकाउंट से ये संदेश मिला कि मैं मीटिंग में बिजी हूं और आप 50,000 रुपए भेज दीजिए। व्हाट्सएप मैसेज में ये भी लिखा गया कि वो भी बैठक में इतने व्यस्त हैं कि बात नहीं कर सकते और फोन कॉल अटेंड नहीं कर सकते और शाम तक वो ये पैसा वापस कर देंगे। व्हाट्सएप चैट पर सौरभ कुमार नाम के एक व्यक्ति का दिल्ली का अकाउंट नंबर भी भेजा गया। अब इस अकाउंट नंबर को साझा किया गया। जिला प्रशासन द्वारा इस बात की जानकारी जमुई साइबर थाना को दी गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस इस मामले में छानबीन शुरू कर चुकी है। साइबर थाना प्रभारी डीएसपी राजन कुमार ने बताया कि जिस नंबर से व्हाट्सएप अकाउंट चलाया जा रहा था वो नंबर उज्बेकिस्तान का है और पुलिस पूरे मामले की अब गंभीरता से जांच कर रही है। डीएम का फेक आईडी बना के वसूली करने की बात सामने आ रही है, क्या है पूरा मामला और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अभी तक जो प्राप्त सूचना है उसमें ये पता चला है कि कोई एडीएम रैंक के ऑफिसर हैं, उनको एक मैसेज आया व्हाट्सएप के थ्रू, जिसमें मतलब डीएम का फेक ये प्रोफाइल लगा के उनसे 50,000 रुपये की मांग की गई है। तो कोई एग्जीक्यूटिव प्रोस्पेक्ट फंड करने के लिए, मतलब मैं अभी मीटिंग में हूँ और एग्जीक्यूटिव प्रोस्पेक्ट को फंड करने के लिए 50,000 रुपये और उसके लिए एक अकाउंट नंबर, मतलब वो जो बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है, शेयर किया गया है। तो पुलिस द्वारा उसमें अभी तक दो तीन कार्रवाई की गई है। सबसे पहले तो उस नंबर को, वो नंबर का ये किया गया, सोर्स कोड का जो कंट्री कोड है उसको ये डिटेक्ट किया गया, तो वो उज्बेकिस्तान का मतलब दिखा रहा है, 998 वो कोड है, वो उज्बेकिस्तान का है। सेकेंड, उस पर उस नंबर को हम लोगों ने ब्लॉक करवाने के लिए जो नेशनल साइबर क्राइम रिकॉर्डिंग पोर्टल है उस पोर्टल पर उसको सस्पेक्टेड कैटेगरी में रिपोर्ट करवा दिया है। और एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की का एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है, उसको संचार सारथी पोर्टल करते हैं, उसका एक मॉड्यूल है एक्चुअल में चक्षु मॉड्यूल, उस चक्षु मॉड्यूल पर भी उस जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को हम लोगों ने सस्पेक्टेड कैटेगरी में रिपोर्ट करवा दिया है। तो वो मोबाइल नंबर को हम लोग ब्लॉक करवा दिया। उसके बाद से वो जो डिटेल्स है उसके लिए हम लोगों ने व्हाट्सएप को, मैं तो एक मेल किया है, व्हाट्सएप को लिखा गया है। व्हाट्सएप से डिटेल आने के बाद, मतलब किस नंबर से, उसका लॉगिन डिटेल और आईपी डिटेल्स के लिए हम लोगों ने व्हाट्सएप को मेल किया है। वहां से डिटेल आने के बाद फिर आगे की जानकारी हम लोग शेयर कर पाए। अब साइबर फ्रॉड के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि जब इस तरह का कॉल आए तो क्या करें, इस पर विस्तार से डीएसपी ने जानकारी दी है ताकि आप भी इसको समझ सकें कि इस तरह की कोई कॉल्स आए तो उसको अटेंड ना करें या कैसे उसको रिस्पॉन्स करें, इस बारे में अधिकारी ने विस्तार से बताया। इसको हैंडल करने में साइबर पुलिस को क्या परेशानियां होती है, क्या अपील करना चाहेंगे? एक्चुअली इस तरह के केसेस में, मतलब जो व्हाट्सएप या जो भी फेसबुक या इंस्टाग्राम जो भी सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी मतलब साइबर फ्रॉड या साइबर ये क्राइम किया जाता है, तो उस तरह के केसेस में हम लोग जो व्हाट्सएप के एक मेटा प्लेटफॉर्म से हम लोग मतलब जो जानकारी मतलब मांगते हैं उनको मेल किया जाता है, तो उनके द्वारा रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता है, उनमें टाइमली रिस्पॉन्ड भी नहीं किया जाता है। और कुछ एक केसेस में, इस तरह के केसेस में, क्योंकि ये कंट्री आउट ऑफ इंडिया है, तो आउट ऑफ इंडिया के केसेस में उनके द्वारा एक एमलेट की मांग की जाती है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी उसको कहा जाता है, और एक होता है एलआर जो कि लेटर सरोगेटरी। तो इस दोनों की मांग करके हम लोग रिक्वेस्ट को एक्चुअली में ज़्यादातर केसेस में 90% केसेस में खारिज कर दिया जाता है। इस कारण हम लोग एक्चुअल उसका जो हम लोग आईपी एड्रेस और जो लॉग डिटेल्स मांगा जाता है व्हाट्सएप से, उनके द्वारा टाइमली प्रोवाइड भी नहीं किया जाता है। और कभी कभी मतलब 90% केसेस में वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी
का बहाना बनाकर या लेटर सेलिब्रिटी का बहाना बनाकर, सिंस द इंफॉर्मेशन मतलब साउट फॉर इज मतलब बिलोंगिंग टू आउटसाइड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ इंडिया, इसी कारण से क्या कहते हैं उस तरह के केसेस में मतलब उन लोगों के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाता, जिस कारण हम लोग एक्चुअल जो परपेट्रेटर हैं उन तक हम लोग नहीं पहुंच पाते। क्या अपील करना चाहेंगे इस तरह के केसेस में, इसको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम यही कहना चाहेंगे कि इस तरह के केस में प्रिवेंशन ज़्यादा जरूरी है, लोगों को अवेयर करना चाहिए। साइबर जागरूकता अभियान हम लोग चला भी रहे हैं और क्या कहते हैं इस तरह के, आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग अपने स्तर से जितने भी सरकारी कर्मचारी जो भी मतलब पोस्टेड हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट में डिफरेंट डिफरेंट मतलब विभागों में, उनसे आप मतलब अपील, मैं अपील आप लोगों से ये करना चाहूँगा कि उन लोगों को भी अवेयर कीजिए कि इस तरह के केसेस में अब वो डायरेक्ट मतलब सबसे पहले वेरीफाई कर लीजिए इन्फॉर्मेशन को, उसके बाद ही मतलब कुछ होता है। तो सुना आपने कि जब भी इस तरह के नंबर से आपको भी कोई मैसेज आए पैसे की डिमांड करे तो आप उसे वेरीफाई ज़रूर करें। बहुत सारे लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं आजकल, आप इसको लेकर सतर्क रहें और आप इस तरह की चीज़ों में ना पड़े तो बेहतर है। जमुई से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, आप देख रहे थे तमाम खबरों के लिए, देखते रहिए बिहार तक।